गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकिता पटेल, असौमिक विद्यालय किला पाड़ी, सब्जेक्ट हिंदी। तो हिंदी में चैप्टर नंबर 5 का हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, टैप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए। तो बच्चों, आपको काव्य का समूहगान करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, क्या होता है बताइए। नंबर 1, तो यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता, तो उसका आंसर होगा कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडलाइन फ़ोन अथवा पीसीओ के फ़ोनों पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और जब चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं होती। नंबर 2, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो क्या होता, तो यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। प्रश्न नंबर 3, यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं होता तो यदि उत्तर होगा कि यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं होता हुआ तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह संभव न होती। प्रश्न नंबर 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। तो उदाहरण दिया गया है लिखावट, तो यहाँ पर लिखावट, रुकावट और सजावट, ऐसे समान प्रास वाले शब्द हमें लिखने हैं। तो नंबर 1, नौकरानी, तो उसका समान प्रास वाला शब्द देवरानी, सेठानी और जेठानी, ये समान प्रास वाले शब्द हैं। आर्थिक, तो आर्थिक का समान प्रास वाले शब्द हैं धार्मिक, सामाजिक और तार्किक। नंबर 3, नायिका के समान प्रास वाले शब्द हैं गायिका, सेविका और तीसरा शब्द है लेखिका। नंबर 4, चुनाव के समान प्रास वाले शब्द हैं चढ़ाव, पड़ाव और तनाव। अब हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों के सॉरी स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें 1, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं, तो उसका आंसर होगा कि कंप्यूटर से बड़ी से बड़ी गणना भी पलक झपकते हो जाती हैं, बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है, घर बैठे रेलवे और हवाई सफर के टिकट बुक करा सकते हैं, घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है, सेना, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है, इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। प्रश्न नंबर 2, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, तो उसका उत्तर होगा कि कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। प्रश्न नंबर 3, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है, तो टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स जैसे उपकरणों से
जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। प्रश्न नंबर 4, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? तो आंसर होगा कि हम धरती पर हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधा का निर्माण करेंगे। प्रश्न नंबर 5, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? तो हम पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो आंसर होगा कि हमें टेलीविज़न आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर काव्य पंक्ति दी गए हैं तो उसका भावार्थ मैंने आपको कविता समझाई है उनमें समझाया है, वो आपको खुद ही वीडियो देखकर लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो शब्द है उपकरण, तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा कि आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दूसरा मोबाइल, तो वाक्य बनेगा मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। कंप्यूटर, वाक्य बनेगा कि मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। शब्द दिया गया है क्रांति, तो उसका वाक्य बनेगा कि बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। खुशहाली, तो उसका वाक्य बनेगा कि नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। तो बच्चों आपको ये वाक्य बनाकर आपकी नोटबुक में लिखना है। अब देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4, चित्र देखकर अपनी कापी में वाक्य बनाइए, यानी कि हमारे तरीके से हमें यह वाक्य बनाने हैं। तो पहला चित्र देखिए, एक लड़का पढ़ रहा है, तो वाक्य बनेगा कि लड़का पढ़ रहा है। दूसरा चित्र है तो मोर नाच रहा है, तो वाक्य बनेगा कि मोर नाच रहा है। देखिए यहाँ तीसरा चित्र दिया गया है, तो उसका वाक्य बनेगा कि लड़की दौड़ रही है। यहाँ पर लड़का पानी पी रहा है, तो उसका वाक्य बनेगा कि लड़का पानी पी रहा है। यहाँ पर देखिए चित्रमय कि लड़का नहा रहा है, तो उसका वाक्य बनेगा कि लड़का स्नान कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक लड़का कूड़ेदान में कूड़ा यानी कि कचरा डाल रहा है, तो उसका वाक्य बनेगा कि लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। यहाँ पर केले का छिलका दिया गया है इसलिए वाक्य केले का छिलका डाल रहा है। अब चित्र में देखिए यहाँ पर लड़का खेल रहा है, तो क्या है, क्रिकेट खेल रहा है, तो वाक्य कैसे बनेगा कि लड़का क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर देखिए धोबी कपड़े धो रहा है, तो वाक्य बनेगा कि धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पर देखिए इस चित्र का वाक्य बनेगा कि लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठा कर ले जा रहा है। यहाँ देखिए एक लड़का सो रहा है, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा कि बालक सो रहा है। यहाँ देखिए फेरी वाला सब्जी बेचने निकला है, तो वाक्य बनेगा कि फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस चित्र के आधार से वाक्य बनेगा कि लड़का पौधों को पानी दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर लड़का पौधों में पानी डाल रहा है इसलिए वाक्य बनेगा कि लड़का
पौधों को पानी दे रहा है। तो बच्चों आपको काव्य नंबर 5 जय विज्ञान की जय किसान की के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।